तो मुझे इस कार का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा। अगर आप बूट ओपन करना चाहते हो तो पीछे सेंसर लगा, जब अपने लेग्स को स्वाइप करना है इसका बूट ओपन हो जाएगा। एंड अगर आपको क्लोज करना है तो सेम प्रोसेस, अगर अपनी थोड़ी सी लेग नीचे से स्वाइप करेंगे एंड ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द सुप्रीम मैक। तो आज मैं हूँ फोर्ड के शोरूम में आपको एक ब्रांड न्यू कार की फुल डिटेल एंड स्पेसिफिकेशंस बताने, जो कि है फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस 2.0 ऑटोमेटिक। तो ये एक ऑटोमेटिक कार है, ये डीजल कार है। एंड गाइस, बात करें इसकी एक्शोरूम प्राइस की, तो ये हमें यहाँ पे 35.60 लाख में अवेलेबल हो जाती है। एंड बात करें इसके कलर की, तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर अवेलेबल हो जाता है। इस पे हमें टू कलर्स और भी अवेलेबल होते हैं, जो कि है डायमंड वाइट एंड सिल्वर। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा कलर इसका ज़्यादा अच्छा लगा है। तो गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी कार है एंड इसको हम फॉर्चूनर, ग्लॉस्टर एंड बहुत सारी और कार्स हैं उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एल्केजार भी अभी आई है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका जो रिव्यू है वो कैसा लगा। एंड गाइज, आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ ये कार आई है, काफ़ी ज़्यादा फीचरिस्टिक कार है। तो आज हम करेंगे इसका फुल डिटेल रिव्यू। एंड गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन भी दबाना। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि है द सुप्रीम मैक। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट पार्ट से एंड बात करें इसके हेडलाइट्स की। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती हैं एंड यहाँ पे हमें DRLs का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक बना देती है। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रंट का लुक काफ़ी ज़्यादा बल्की एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। एंड नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हैलोजिन फॉग लैम्प्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश में आता है। एंड चलते हैं साइड पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है फ्रंट ग्रिल पे। एंड बीच में आपको बड़ा सा फोर्ड का लोगो देखने को मिल जाएगा नीचे एंडेवर की बैचिंग। एंड नीचे की बात की तो ये इसकी स्किड प्लेट्स रही है एंड यहाँ पे आपको टू पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो गाइस, आगे के पार्किंग सेंसर्स आपको इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ये रहा इसका फ्रंट का लुक, तो जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है। तो चलते हैं गाइस अब गाड़ी के पीछे एंड मैं आपको पीछे की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप पीछे बहुत बड़ी बड़ी एंडेवर की बैचिंग आपको देखने को मिल जा रही है। तो मैं आपको क्लोजली लुक बता देता हूँ, यहाँ पे एंडेवर की बैचिंग है एंड ऊपर आपको फोर्ड की बैचिंग भी देखने को मिल जाती है। तो साइड पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे टाइटेनियम की बैचिंग भी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको 4WD भी दिखा हुआ देखने मिल जाएगा। इसमें आपको रेयर वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है एंड रेयर डिफॉगर है उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर की बात की जाए तो इसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड ये ऊपर आपको रूफ माउंटेड एंटीना का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, बात करें इसकी टेल लाइट्स की, तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका स्टाइल, जिनकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेटर एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड नीचे इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल होते हैं एंड नीचे स्किड प्लेट्स एंड ये रहा इसके पीछे के रिफ्लेक्टर्स। तो गाइस, पीछे की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा डैशिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा बल्की लुक देती है पीछे से भी। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, करते हैं इसके बूट को ओपन। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये इसकी कीज़ हैं, जस्ट आपको यहाँ पे डबल टैप करना है तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। तो जब इसको आप डबल टैप करेंगे तो इसका बूट आपको ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एंड आप इसका जो बूट है वो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पेस तो यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि आपकी इसकी जो जो क्योंकि जो इसकी थर्ड जो सीट है, थर्ड सीट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। बट इसको आप नीचे बेंड कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपनी बूट स्पेस बना सकते हैं। एंड मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स इसकी यहाँ पे और बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा एंड पीछे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एज वेल एज यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको हुक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है एंड ये रहे इसके स्पेयर व्हील्स की कुछ एसेसरीज होती हैं, ये वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एंड सबसे स्पेशल पार्ट इसका ये है कि यहाँ पे आपको जो ये जो रेयर सीट का जो लेफ्ट एंड राइट सीट की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगी। जब इसको दबाएंगे तो ये जो सीट होती है इसकी वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। तो मैं आपको करके बता देता हूँ, इसको मैं दोनों को प्रेस करूँगा तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी जो सीट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। तो यहाँ जब ये सीट डाउन हो जाएंगी तो आप अपनी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं, यहाँ पे अपना बैग है जिसे लगेज आराम से रख सकते हैं। एंड अगर आपको ये चीज़ वापस सीट वापस ऊपर करनी है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो आप जस्ट दोनों को प्रेस करेंगे, किसी एक को प्रेस करेंगे तो एक ही सीट ऊपर हो जाएगी। टू टाइम प्रेस करना है एंड इसकी डिक्की अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको टू टाइम प्रेस किया एंड इसकी डिक्की अपने आप क्लोज हो रही है। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। तो बात करें गाड़ी की डायमेंशंस की, तो जो इसकी लेंथ है वो आपको 4.9 मीटर की देखने को मिल जाती है। इसके जो विड्थ है वो हमें 1.8 मीटर की देखने को मिल जाती है, जिसकी हाइट है वो हमें 1.8 मीटर। इसके जो विड्थ है और इसकी जो हाइट, इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो हमें सेम देखने को मिल जाएंगी। इसका जो व्हील बेस है वो हमें 2.8 मीटर देखने को मिल जाता है। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 225 mm की देखने को मिल जाती है एंड जो इसका कर्व वेट है वो आपको 2410 kgs का देखने को मिल जाता है। एंड ये एक 7 सीटर कार है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो गाइस बात करें इसके टायर्स की, तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। एंड बात करें इसकी फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट कॉयल स्प्रिंग विद एंटी रोल बार्स देखने को मिल जाता है। एंड बैक सस्पेंशन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कॉयल स्प्रिंग वॉल्ट लीकेज टाइप विद एंटी रोल बार्स देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें इसकी ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आपको चारों साइड पे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। एमपी रेटिंग की बात की जाए, तो इसको गाड़ी को हमें 5 स्टार्स मिले हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का कुछ लुक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडेवर की यहाँ पे बैचिंग देखने को मिल जाती है। एंड ये रहा इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर। एंड जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। इसके जो एक्सटीरियर डोर हैंडल्स है वो आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बटन है, जैसे आपको प्रेस करेंगे ओपन हो जाएंगे, तो एक्सटीरियर डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल जाएंगे। एंड ये रहा इसका स्टेप अप प्लेट्स, तो जब आप इसके ऊपर फुट रखे चढ़ सकते हैं। एंड करते हैं इसके डोर को ओपन एंड चढ़ते हैं अंदर। एंड मैं आपको अंदर के कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो गाइज बात की जाए इसकी स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। एंड जो उसकी ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड बीच में आपको फोर्ड का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो ये चीज़ ये जो कंट्रोल है वो आपको स्क्रीन का देखने को मिल जाएगा। एंड ये आपको वॉल्यूम का प्लस से कॉल डिक्लाइन एंड कॉल रिसीव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको जो ये सिस्टम है ये आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ का देखने को मिल जाएगा। एंड इधर आपको क्रूज कंट्रोल्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टेयरिंग व्हील आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिश देखने को मिल जाएगी। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का। तो गाइज यहाँ पे आपको टिल्ट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाता है, बट इसमें आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट टिल्ट का है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड बात करें इसकी साइड की, तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं इसके टॉप पे आपको लेदर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे स्टिचेस देख सकते हैं व्हाइट कलर के अवेलेबल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एसी के जो कुछ वेंट्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड बीच में आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। साइड पर आपको ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल जो होते हैं एसी के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड बात की जाए नीचे की, तो यहाँ पे आपको एसी के कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पे मैक्स एसी है। एंड गाइस यहाँ पे आपको नीचे यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी आपको यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पीछे भी देखने को मिला है एंड आगे भी है। एंड गाइज ये रहे इसके कुछ कंट्रोल्स, तो मैं आपको यहाँ पे इसके कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको हिल होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, इट स्लिप डिफरेंशियल का ऑप्शन जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये आपको स्नो का ऑप्शन है, ये आपको डेजर्ट का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे एक हिल होल्ड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड ये रहा इसके पार्किंग असिस्ट। एंड पीछे की बात की जाए, तो ये रही इसकी हैंड ब्रेक। एंड ये रहा इसका गाइस मैनुअल ट्रांसमिशन की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं आपको गियर नॉब बता देता हूँ, तो आपको लेदर का देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें इसकी ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 10 गियर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस पर आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, जो इसको मैनुअल है तो यहाँ पे आपको प्लस एंड माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इससे आप मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप में इसको में स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये पार्किंग हो गया, ये रिवर्स, ये न्यूट्रन, ये ड्राइव, एंड ये आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा। पीछे की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। एंड ये इसकी आर्म रेस्ट है, तो जस्ट आपको उसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे भी आपको बहुत सारी स्पेस देखने को मिल जाती है। एंड बात की जाए इसकी सीट्स की, तो यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड सीट्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। एंड पैसेंजर साइड सीट की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 8-वे मैनुअल देखने को मिल जाती है। एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो भी आपको 8-वे मैनुअल देखने को मिल जाएगी। जो इसकी पीछे की रियर सीट है वो जो 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे 6-वे मैनुअल देखने को मिल जाएंगी, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। एंड जो इसकी पीछे की थर्ड रो सीट है वो आपको 2-वे मैनुअल देखने को मिल जाती हैं। तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड कलर की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन कलर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि है ब्लैक एंड बेज। एंड गाइज इसकी एयरबैग्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो एयरबैग्स की सेफ्टी आपको रहेगी यहाँ पे, सेफ्टी वाइज फुल अच्छे से। एंड ये रहा है इसका गाइज पैसेंजर साइड का सन वाइजर, तो जो कि ब्लैक कलर में है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक है यहाँ पे। एंड ये रहा है गाइज इसका सन वाइजर, तो जिसका इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। एंड गाइज ये रहा ड्राइवर साइड का सन वाइजर, तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। एंड ये रहा इसका IRVM। एंड ये रहे इसके कुछ ऊपर के कंट्रोल्स, जैसे कि सनरूफ के कंट्रोल्स हो गए। एंड ये इसके कैबिन लैंप्स होगी यहाँ पे, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कैबिन लैंप्स को भी। एंड ये रहा इसका सनरूफ, जो कि पैनोरोमिक सनरूफ है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो ये इसका पैनोरोमिक सनरूफ है। स्पीकर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको 6+ स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे।
तो गाइस मैं आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट का कुछ डिटेल्स यहाँ बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे जो इसके इंटीरियर डोर हैंडल्स है वो आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड जो ये इसकी पावर विंडोज का ऑप्शन है जो इसमें वन टच डाउन अप है वो आपको ऑल सब में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे इसके ओआरवीएम के कंट्रोल है तो यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नीचे आपको इसको देख सकते हैं लाइटिंग के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। एंड ये रहे इसके स्पीकर्स, एंड ये रहा इसका ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। तो ये रही गाड़ी फ्रंट का फुल लुक। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको वन टच स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट आपको इसको प्रेस करना है तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये इस रहा इसको इंस्ट्रूमेंट का क्लस्टर जो आपको एनालॉग एज वेल एज डिजिटल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो कि अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पी का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये पार्किंग में लगी हुई है। जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो स्पोर्ट्स का साइन यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइस इस पे आपको जो क्लस्टर ब्राइटनेस है वो आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लो फ्यूल जो अपनी जो वार्निंग आती है वो भी इसमें आ जाती है। एंड कोई भी अगर इसमें डोर ओपन होता है तो फिर वहाँ पे भी आपको इसका ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। एंड इसमें आपको यहाँ पे रेडियो का आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आप यहाँ से कंट्रोल्स भी कर सकते हैं इसके ऑप्शंस को। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। एंड इसमें आपको सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन वो भी अवेलेबल हो जाता है, इवन कि जब हैंड ब्रेक लगती है उसका ऑप्शन जो जो हर गाड़ी में अवेलेबल इसमें भी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। जो आपको मेन मेन डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। एंड बात करें इसकी टच स्क्रीन की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो टच जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ऑडियो को कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, फोन नेविगेशन, मोबाइल ऐप सेटिंग्स। तो बात की जाए इसकी सेटिंग्स की तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको साउंड, क्लॉक, ब्लूटूथ, फोन, रेडियो, एमरजेंसी असिस्ट, मोबाइल ऐप्स, जनरल सब कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बात की जाए इसकी जनरल सेटिंग की, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, मेजरमेंट यूनिट, टच बीप, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, इसमें आपको सब कुछ जो होगा वो देखने को मिल जाता है। एंड इसको यहाँ पे बैक करने का ऑप्शन भी है। तो बात की जाए इसके व्हीकल व्हीकल की भी देखी जाए तो यहाँ पे आपको व्हीकल्स का ये कैमरा सेटिंग्स होती है वो उसको मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं इसके कैमरा को। एंड और भी है होगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले देख सकते हैं, जो इसका बैकग्राउंड है, ब्राइटनेस है, मोड्स हैं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन है वो भी अवेलेबल हो जाता है। एंड क्लॉक है, साउंड है, तो बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं नेविगेशन का, या इसकी मोबाइल ऐप्स है तो मोबाइल ऐप से इसको कनेक्ट करके तो आप बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं, जैसे लॉक एंड लॉक, फाइंड माई कार, एमरजेंसी कॉलिंग, ये सब इसमें ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे। एंड ये रहा इसका क्लाइमेट का, तो आप अपने जो एसी होगा वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है वो अपने हिसाब से भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रोड मैप देख सकते हैं, तो अपनी डेस्टिनी पर जहाँ पहुँचना होगा तो वहाँ पर सही सेट करके देख सकते हैं। एंड ये रहा इसका म्यूजिक कंट्रोल, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आपको ऑक्स कंपेटेबल भी है, आईपॉड कंपेटेबल भी है, तो अपने हिसाब से आप मन चाह स्टेशन सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपना रूट। तो ये काफी अच्छी चीज है। एंड ये रहा इसके ड्राइवर साइड सीट, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ आपको पावर विंडो का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, तो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो चलते हैं इसकी बैक सीट पे, मैं आपको पीछे का कुछ इसमें इसके लुक्स बता देता हूँ। एंड बाहर निकलते आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्कफ प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी, तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये आपको पहले से लगी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी कार्स में इसको लगाना पड़ता है एक्सेसरीज, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड ये रहा इसकी बैक की सीट, मैं आपको यहाँ पे ऊपर से बना देता हूँ। तो जब आप तो गाइस देख सकते हैं यह है, ये इसका बैक का व्यू है, काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी सारा लग्जूरियस व्यू है। इसमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी गई हैं। एंड इसका ग्लो बॉक्स है, मैं आपको आगे जाकर इसका ग्लो बॉक्स भी बता देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कोई 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट एक और देखने को मिल जाएगा, मतलब इस गाड़ी में आपको 3 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएंगे। एंड ये है इसके इसके एसी के कंट्रोल्स। एंड पीछे के सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड ये रहे इसके एसी के वेंट्स। एंड ये है इसका यहाँ पे इसका लाइट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड ऊपर से इसका ये पैनोरामिक सनरूफ जैसे कि देख सकते हैं, लाइट्स का ऑप्शन आपको यहाँ भी अवेलेबल हो जाता है। एंड ये रहे इसके जो ड्राइवर साइड डोर्स, जो पीछे की डोर्स के जो है वो सेटअप देख सकते हैं। तो आगे से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार है, काफ़ी ज़्यादा कूल लुक देती है कार ये हमें। आपको यहाँ पे ग्लोव बॉक्स बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको लॉक ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो जब इसको खोलेंगे तो उसके स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें नो डाउट आपको स्पेस बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। तो इसको आप करते हैं क्लोज, एंड आपको ग्रैब हैंडल का ऑप्शन वहाँ भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये रहेगा इसके अंदर के फीचर्स। आई होप इसको इसके अंदर के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हों। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको किसी और गाड़ी के फीचर्स अच्छे लगे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, अगर इसके लगे हो तो मुझे बता सकते हैं। एंड ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिसिंग है, जो जो चीज फीचर्स मिसिंग है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैं आपको इसका एक 360 व्यू दे देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि देख सकते हैं ये इसका 360 व्यू पूरा का पूरा ऊपर का।
भी आपको एक बूट का ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो पीछे का बूट वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। मैं आपको प्रेस करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया एंड पीछे का जो आप देख सकते हैं बूट अपने आप क्लोज हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलते हैं बाहर, करते हैं इसके इंजन को ओपन। तो करते हैं इसके इंजन को ऊपर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्स लगे हुए हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड बात की जाए इसकी इंसुलेशन की, तो आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन यहाँ लगी है, सॉफ्ट इंसुलेशन जो कि इसके हीटिंग इशू को कंट्रोल करते हैं, इसकी नॉइस इशू को भी एज वेल एज। यहाँ पे आपको 2000 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा विद 4 सिलेंडर इनलाइन एंड 4 वाल्व। इंजन टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2.0 इको ब्लू डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। गाड़ी की मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 168 bhp की गाड़ी जो मैक्सिमम पावर दे सकती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 420 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कंपनी 12.4 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज दे देती है। एंड इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 80 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है। तो इंजन वाइज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, आप जैसे देख सकते हैं 80 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें। एंड जो इसका इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है इसकी जो मैक्सिमम पावर है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा है। 2000 cc का इंजन लगा हुआ है इस पर। तो करते हैं इंजन में को क्लोज। तो गाइज ये रहा फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम प्लस 2.0 का फुल डिटेल रिव्यू। आई होप आपको ये कार पसंद आई होगी, तो इसके साथ फीचर्स भी आपको अच्छे से पसंद आए होंगे। तो गाइज अगर आपको इसके फीचर्स में कुछ लैगिंग दिख रही है या फिर इसमें फीचर्स कुछ मिसिंग दिख सकते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको गाड़ी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ नाइस डे।